नमस्कार जय हिंद, कैसे आप लोग गाइस? ऐसा करती हूँ आप लोग अच्छे मजे में होंगे। स्वागत है फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल में। तो गाइस, वुमेन एशिया कप का फाइनल मैच लीग की दो सबसे बेस्ट टीम के बीच खेला जाएगा। ये दोनों टीम की अब तक टूर्नामेंट में जबरदस्त परफॉर्म किया है और अब तक एक भी मैच हारी नहीं है। तो इस गेम में फाइनल मुकाबले में एक तरफ है भारतीय टीम तो दूसरी तरफ है श्रीलंका की टीम। इन दोनों के बीच फाइनल मैच खेला जाएगा। यह मैच होगी 28 जुलाई की शाम 7 बजे से रंगीनी दामला इंटरनेशनल स्टेडियम में दामला में खेला जाएगा। वेदर रिपोर्ट की बात किया जाए तो मैच के दिन वेदर क्लॉडी रहेगा, मौसम नमी वाला रहेगा, तापमान 25 डिग्री से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और दिन में हल्की हवा चलेगी और बारिश की कोई चांसेस नहीं है। फिर भी रेन चांसेस 40% है और ह्यूमिडिटी 79% रहेगी, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस तक रहेगी। पिच एनालिसिस की बात करें तो स्टेडियम की पिच यहाँ पर स्लो है, अब तक स्लो स्कोरिंग मैच हुए हैं और पिच स्पिनरों को काफ़ी हेल्प करती है, सतह जल्दी सूख जाती है और जिससे दरारें बन जाती हैं तो स्पिनरों को बॉलर्स को टर्न और बाउंस निकालने में मदद करती हैं और बैटर्स को यहाँ पर खेल के शुरुआती चरण के दौरान रन बनाना आसान लगता है और उसके बाद जब पिच ताज़ा और हार्ड होती हैं तो विनिंग परसेंटेज के बताएं तो फर्स्ट बैटिंग का विनिंग परसेंटेज है 76% और फर्स्ट बॉलिंग का विनिंग परसेंटेज है 24%। एवरेज स्कोर की बात करें दोस्तों तो फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर है 131 और सेकेंड इनिंग का एवरेज स्कोर है 105। तो दोस्तों बात करें अब हेड टू हेड लास्ट 10 मैचों में तो श्रीलंका का हुआ है 1 और इंडिया का हुआ है 9। इंडिया 100 वुमेन शॉट एनालिसिस की तरफ जल्दी बढ़ें तो पहले सेमीफाइनल में भारतीय महिला टीम ने बांग्लादेश पर 10 विकेट से शानदार जीत दर्ज की। अब टीम अब तक टूर्नामेंट में खेले सभी मैच जीती हैं। ओपनिंग में स्मृति मंदना और शेफाली वर्मा जबरदस्त फॉर्म में हैं और शेफाली ने 4 इनिंग में 184 रन तो स्मृति ने 130 रन बनाए हैं। नंबर 3 पर हैं उमा छेत्री, को मौका मिला था लेकिन टीम के सभी बैटर्स अच्छे फॉर्म में हैं। मिडिल ऑर्डर में हरमनप्रीत कौर और सिराज जागोस और जेमिया और रॉड्रिग्स भारत की बैटिंग को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। बॉलिंग में टीम 5 बॉलर्स से खेल रही है, रेणुका सिंह, दीप्ति शर्मा और पूजा वस्त्रकर भारत की मेन बॉलर्स है। दीप्ति ने अब तक सबसे ज़्यादा 9 विकेट लिए हैं, राधा यादव अब तक फ्लॉप ही रही हैं। सेमीफाइनल मैच में फास्ट बॉलर्स रेणुका सिंह और ठाकुर को स्पिनर राधा यादव ने भारतीय टीम के लिए शानदार बॉलिंग की है और 3-3 विकेट लिए हैं। सेमीफाइनल में रेणुका ही मैन ऑफ द मैच रही थी। और इंडिया प्लेइंग 11 की बात करें तो स्मृति मंदना, शेफाली वर्मा, उमा छेत्री, हरमनप्रीत कौर, ईचा गॉल्स और जेमिया रॉड्रिक्स, दीप्ति शर्मा, राधा यादव, रेणुका सिंह, पूजा वस्त्रकर और तनुजा संगवर की प्लेयर्स की बात करें तो स्मृति मंदना, दीप्ति शर्मा, पूजा वस्त्रकर। श्रीलंका वुमेन शॉट एनालिसिस की बात करें दोस्तों, श्रीलंका ने कप्तान और चमारी और अथापथु की सॉलिड इनिंग में और बड़ोदर से सेमीफाइनल में पाकिस्तान पर कड़ी टक्कर में जीत दर्ज की है और श्रीलंका ने अब तक टूर्नामेंट में बेहतरीन परफॉर्म किया है और टीम के पास हर लेवल पर ताकत है। उनकी बैटिंग लाइनअप से सबसे ज़्यादा मजबूत है और बैटिंग में टीम को फॉर्म में चल रही कप्तान चमारी और अथापथु विश्वी गुणरत्न ओपन करेंगे। सेमीफाइनल मैच में चमारी और अथापथु ने 48 रन गेंदों पर 9 चौकों और 1 छक्के की मदद से 63 रन बनाए थे और उन्होंने अब तक टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा 243 रन बनाए हैं। मिडिल ऑर्डर में हर्षिता सवर विक्रमा और विकेट कीपर अनुष्का संजीवनी और कविशा दिलहारी पर रन बनाने का भरोसा होगा और बॉलिंग में टीम स्ट्रांग है। कविशा दिलहारी ने सबसे ज़्यादा 7 विकेट लिए हैं और हिनोसी प्रियदर्शनी बॉलिंग में सबसे आगे होंगी। उन्होंने अपने पिछले 8 मैचों में 12 विकेट लिए हैं। सेमीफाइनल मैच में उदिष्का प्रबोधिनी भी और कविशा दिलहारी ने के लिए अच्छी बॉलिंग की थी और 2-2 विकेट लिए थे। श्रीलंका प्लेइंग 11 की बात करें तो विश्वी गुणरत्न है, चमारी अथापथु जो कि कप्तान है, हर्षिता समर विक्रमा और हर्षिनी परेरा, अनुष्का संजीवनी जो कि विकेट कीपर हैं, कविशा दिलहारी, दिलछाती डी सिल्वा, ओइनोशी प्रियदर्शनी, उदयशिका प्रबोधनी और संगधिका कुमारी अचिनी कुलसरिया। और बात करें गाइस की प्लेयर्स की तो चमारी अथापथु, ओइनोशी प्रियदर्शनी, विश्वी
गुणरत्न। ड्रीम इलेवन फैंटेसी की टीम की बात करें दोस्तों तो विकेट कीपर में है अनुष्का संजीवनी और बैटिंग भी शामिल है विस्मी गुणरत्न, चमारी अथापथु, हर्षिता समर विक्रमा, स्मृति मंदना और शेफाली वर्मा। बॉलर्स में शामिल है इनोसी प्रियदर्शनी, रेणुका सिंह, दीप्ति शर्मा, पूजा वस्त्रकर। ऑलराउंडर में शामिल है हरमनप्रीत कौर। तो दोस्तों बात करें प्रेडिक्शन की तो ओवरऑल रिकॉर्ड में टी20 में दोनों टीमों के बीच 20 मैच हुए हैं जिसमें से भारत ने 19 मैचों में जीत हासिल की है जबकि श्रीलंका को 4 मैचों में जीत मिली है। लेकिन दोनों ही टीम टूर्नामेंट में जबरदस्त परफॉर्म किया है और यहाँ मैच बराबरी का होने की उम्मीद है। फिर भी भारत की टीम ज़्यादा आगे है और यहाँ विजेता भी भारत ही हो सकता है। तो गाइस आशा करती हूँ आप लोगों को प्रोडक्शन वीडियो अच्छा लगा हो। तो दोस्तों ऐसे ही क्रिकेट से जुड़ी अन्य खबरों को जानने के लिए आप हमारा टेलीग्राम जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। जो हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए गाइस, देरी मत करिए क्योंकि वह आपको मिल जाएंगे सारे मैच से रिलेटेड मैच प्रोडक्शन, टॉस रिपोर्ट और सब न्यूज़। तो मिल देंगे गाइस जल्दी से नई वीडियो के साथ लौटूंगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।